हेलो एवरीवन, वेलकम टू शबिस्ता खान किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पुदीना दही बड़े, जिसके लिए हमने आधा किलो दही लिया है। ये हमने 5 साबुत लाल मिर्च ली हैं, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और ये थोड़े से हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं। आप पुदीने के पत्ते अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितने लेने हैं कम या ज़्यादा। इन सारी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे और इनको हम दही में डालेंगे। ये सारा सामान हमने पकौड़ियों के लिए लिया है। 200 ग्राम बेसन लिया है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन लिया है जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है, कोरिएंडर लीव्स, 5 से 6 हरी मिर्चें, ये हमने तड़के के लिए लिया है, 1 पिंच हींग ली लेंगे इसमें से, और 1/4 चम्मच जीरा, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, इसको भी हम पकौड़ियों के अंदर ही डालेंगे। सबसे पहले हमने ये बाउल ले लिया है, उसमें डालेंगे दही, और ये हमने जो पेस्ट बनाया था पुदीना लाल मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था, इसी के साथ हमने नमक डाल लिया है। इसको अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम खूब अच्छे से फेंट लेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हो। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा दही बड़े का रायता बन चुका है। अब हम एक बैटर तैयार कर लेंगे, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये हम लेंगे बाउल, उसमें डालेंगे बेसन, साथ ही डालेंगे इसमें प्याज, लाल मिर्च, सॉरी हरा धनिया, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे और इसको हम घोल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। ये हमने बेसन तैयार कर लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे पकौड़ियों को। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हमने 500 ग्राम ऑयल डाला है। अब इसमें हम पकौड़ी सेकेंगे। इसी तरह से हमें सारी पकौड़ी डालनी है। देखिए हमने पकौड़ी डाल दी है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको हम पलट लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए हमारी पकौड़ी फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें बाकी के सारे पकौड़े फ्राई करने हैं। ये देखिए हमारी पकौड़ी बन चुकी है, अब इसको हम रायते में डाल लेंगे जो हमने रायता तैयार करके रखा है। देखिए सारी पकौड़ियों को हम डाल लिया है, अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए
हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें डालेंगे जीरा, 1 पिंच हींग। गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसको हम दही बड़े में डाल देंगे। इसको इस तरह से हम इसमें डालकर तड़का लगा लिया है। देखिए तड़का लग चुका है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए दही बड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।